नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं सतेंद्र चौहान। मेरे सहयोगी मनोज सांगवान भी मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं जिनके बारे में देश और दुनिया के लोग ना सिर्फ जानना चाहते हैं बल्कि उनको सुनना भी चाहते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हनीप्रीत इंसा। हनीप्रीत जी, सबसे पहले आप ही बताइए कि ये जो पूरा मसला हुआ है, पूरा मामला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जो आपने हनीप्रीत को देखा है वो हनीप्रीत ऐसी नहीं है। हनीप्रीत को एक इस तरह से प्रेजेंट किया है कि भी वो मुझे खुद को भी डर लगने लग गया उससे। मैं इतने डर के साथ आगे बढ़ी हूं आज कि मैं इस टाइम एक मेरी मेंटल स्थिति को मैं बयान नहीं कर सकते कि मैं क्या हूँ। मेरे को जो एक देशद्रोही का जो डाला है वो बिल्कुल ही, जब आप देखेंगे कि आपने पूरी सिचुएशन की तरफ आप ध्यान दें कि मैं पहले अपने पापा के साथ एक बेटी कोर्ट में जाती है, बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट में जा रही है। अब इतनी सिक्योरिटी होगी तो वो कोर्ट में कैसे एंटर, बिना आपने उसके परमिशन मिली होगी तभी वो एंटर करी होगी, कोर्ट की परमिशन मिली होगी तो ही वो अपने, मैं अपने पापा के साथ, जब वो गिल्ट का हुआ उसके बाद मैं अपने पापा के साथ, कोर्ट ने मुझे परमिशन दी, मैं पापा के साथ बैठ के उनके परमिशन के। देखिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो साजिश थी, जो दंगे भड़के, जैसे सजा सुनाई गई तो उसमें आपका नाम लिया जा रहा है कि भी आप लोगों ने भड़काए, ऐसा था? मैं यही बता रही हूँ आपको, आप सब जो दिमाग जिसने सोच के देखिए कि भी अगर एक लड़की है, एक लड़की इतनी फोर्स, वो बिना परमिशन के साथ चली जाएगी। परमिशन मिली मुझे, मैं तब साथ बैठ के गई हूँ, उन्हीं की सरकारी गाड़ी में बैठ के गई हूँ। उन्होंने मुझे पापा के लिए जो भी सिक्योरिटी रीजंस के कारण उन्होंने चौपर कर रखा था, तो उनको, हमें तो पता भी नहीं था, तो उन्होंने ही वहां बिठाया, वहां साथ गई, वहां जाके मुझे उन्होंने कह दिया कि यहाँ तो आप गलत आए हो। तो मैं तो गलत नहीं गई ना, मुझे आपने भेजा या आपने परमिशन दी तब मैं वहां गई। सारे आपने, अब आपके सारे ये वीडियोज हैं आपके पास, टीवी पे क्लिप्स आ रहे हैं, आप सबने देखा है मुझे, सारा ट्रेवल उतने देखा है, मैं उसमें कहां प्रेजेंट थी दंगे फंसाने में, जो हमें पता ही नहीं, जो लोग वहां, जो ये हुआ, ये श्रद्धालु आए हुए थे, जो शरारती तत्वों ने ये काम कर दिया, उनको तो चेक कर करके भेजा है सब पुलिस ने, अगर अगर उनकी चेकिंग की है, उनको अगर भेजा है अंदर, वहां पे चेकिंग होके गई है। इस पूरे मामले में ना ऐसा कर दिया कि हनीप्रीत एक बहुत बड़ी विलेन है, बहुत बड़ी खलनायक है, बहुत बड़ी साजिश रची, तो आप क्या कहना चाहती हैं कि आप बेगुनाह? मैं बिल्कुल, आप पूरी, आपने सिचुएशन खुद देखी है, मैं कहां गुनहगार हूं। मैं एक बेटी का फर्ज अदा किया मैंने अपनी, कि मैं अपने बाप के साथ गई अंदर, हर बेटी जाती है, हर परिवार जाता है अपने बाप के साथ अंदर, वहां गई, मेरे को कहां आपने बोलते देखा है, मेरे को कहां आपने कहा है कि भी दंगे फर्ज, कहां आपने मेरी, कहीं कहीं आपने सुनी है कि मैं यहां बोल रही हूं, कहीं आपने कुछ सुना हो या कुछ आपको मिला हो? मैं तो वहां चुपचाप अपने, मेरे को तो वहां पे हमें कुछ क्या सूझेगा, जिसके बाप को गिल्ट करा, हम तो अपने खुशी खुशी गए थे कि भी हां भी सुबह जाएंगे और शाम तक अपने बाप को वापिस आ जाएंगे खुशी, वहां पे जाते ही जब ये पता चला कि हमारे उल्टा आ गया, तो वहां तो दिमाग ही काम नहीं होता, डिप्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए हनीप्रीत, इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा सवाल या निशान लग रहा है वो आपके और जो गुरुजी हैं राम रहीम, उनके रिश्तों को लेकर क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई गलत संबंध है, इस तरह के संबंध है? मुझे समझ नहीं आता ये, मतलब एक बाप बेटी के रिश्ते को छालने की, इतनी, इतने पवित्र रिश्ता होता है, मुझे बताइए, एक बाप बेटी का रिश्ता इतना पवित्र रिश्ता होता है, उसको छालना इतनी बुरी तरह से। मैं, हमारा इतनी, मेरा मेन डर का कारण ये था कि भी इन्होंने एक हनीप्रीत को क्या प्रेजेंट किया, एक बाप बेटे के रिश्ते का इतना तार तार किया। मैं पूछना चाहूंगी एक बाप को कि क्या वो अपनी बेटी के सिर पे हाथ नहीं रखता? मैं पूछना चाहूंगी उस बेटी से, क्या बेटी अपने बाप से लाड़ नहीं? इन्होंने ऐसी क्या चीज देख ली, इनको क्या सा ऐसा एक सबूत मिला है जो इन्होंने मेरे पे ये इल्जाम लगाया? ये इल्जाम दरअसल आपके डेरे के कुछ लोग और खासकर जो विश्वास गुप्ता ने भी ये बात आकर, मैं कहती हूँ जो डेरे के खास लोग हैं वो खास हैं, क्या उनको कोई जानता है? वो कौन है? वो कोई भी नहीं है। विश्वास गुप्ता की बात करते हो, वो मैं उस टॉपिक पे मैं बात ही नहीं करना चाहती। अच्छा हनीप्रीत, एक चीज बताइए, आप कह रही हैं कि भी बेगुनाह है और ये चीज सबको पता है कि जब ये दंगे भड़के उस समय आप अदालत में मौजूद थी, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप पुलिस के सामने क्यों नहीं पेश होते? पुलिस कह रही है कि भाई आइए आप सरेंडर करिए।
आप मेरी कंडीशन समझिए ना, मैं इतनी, मैं एक तो जिसके आप मेरा मतलब जिस जिसने जो अपने बाप के साथ देशभक्ति की मूवीज बनाती थी लड़की है, जिस बाप ने उसको ये कूट कूट के भर दिया था कि भी जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, उसके वो एक तो बाप को अंदर चले गए जो सोच भी नहीं सकते थे, उसके बाद एक जो खून का कहते, उसके बाद उसी उसी लड़की पे आ रहा देशद्रोही का आ गया, तो हम मैं तो डिप्रेशन में ही चली गई थी कि भी जो कानूनी करा हमें पता भी नहीं था कि कानून की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे हमने क्या करना है, जैसे मुझे मिला और जैसे मुझे समझ आई, जैसे मुझे किसी ने गाइड किया, क्योंकि सारे चीज तो हमारे लिए जब पापा चले गए तो हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया था, उसके बाद जैसे हमें किसी ने गाइड किया मैं आगे आई, मैं दिल्ली गई जिसे जैसे समझ आई, और जैसे अब मैं अब आगे जाके अपना अब फिर जाऊंगी और हरियाणा पंजाब में कहा है तो अपना वहां पे भी जाऊंगी, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में भी जाऊंगी और अपना वो करूंगी, पीछे नहीं हटी, लेकिन जितना कुछ मेंटल स्थिति संभलने में भी तो टाइम लगा कि भी ये हो क्या गया, छुपी नहीं थी, लेकिन जब बेगुनाह को एकदम जो जिसने कभी कीड़ी भी ना मारी उसके ऊपर देशद्रोही का आ गया, वो संभलना मेरे लिए बहुत मुश्किल से था। एक अभी आपने फिल्मों की बात करी मूवीज की, इसको भी कहा जा रहा है कि आप जो है गुरुजी को फिल्मों में आप लेकर आई और आपने ही बॉम्बे में स्टूडियो खुलवाए और आपकी इच्छा थी कि भाई आप बॉलीवुड में जाना चाहती थी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, जिन्होंने काफी अगर जो इंटरव्यूज जिन्होंने ली है मेरे पीछे इंटरव्यूज भी देखे होंगे उनको भी पता है कि मैं तो इस लाइन में आना ही नहीं चाहती थी, मैं तो जब मेरा जब इसमें आया तो मैं हमेशा ही कहती थी कि मुझे बैक कैमरा मुझे पसंद है, अगर मुझे करना है तो मुझे बाद में मुझे शौक हुआ कि भी डायरेक्टर बनूं मैं, तो मैं एज ए डायरेक्टर ही मुझे था, मूवीज का तो मुझे शौक ही नहीं था एज ए हीरोइन आने का, या ऐसा सारी चीजें मुझे समझ ही नहीं आई, ये कहते हैं ना कि पंख की डार बनती है, ये तो पंख भी नहीं है, ये बनाया किसने क्या किया ये कुछ समझ ही नहीं आया। अच्छा डेरे में जो एक्टिविटीज है उनको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि नरकंकाल हैं, वहाँ लोगों को मार के दबा दिया जाता था, और जो है गुरुजी जो आपके हैं उनके ऊपर की भाई वो लड़कियों का शोषण करते थे, बहुत सारे इस तरह की बातें हैं। मुझे ये बताइए नरकंकाल मिले, बातें तो बहुत उछल रही, क्या मिले नरकंकाल, पापा जी की जो भलाई वाले मानवता भलाई के कार्य तो किसी ने नहीं दिखाए, नरकंकाल मिले जो शोषण किया जो दो लड़कियां वो मिली, कह रही हैं जो आपके जो मेरे पापा बेगुनाह हैं और आने वाले टाइम में देखना वो सामने आएगा जो उनपे हुआ है, हम आगे जाएंगे आगे हम करेंगे आगे का करेंगे और उसपे मेरे पापा बेगुनाह आएंगे, जो दो लड़कियां जो सामने आई नहीं जो हजारों लड़कियां उनकी सुनवाई नहीं होगी, बिना चिट्ठी जो एक मिली है चिट्ठी के बुनियाद पे भी कभी ऐसा कुछ होता है। तो अब आप इसको कानूनी लड़ाई किस तरीके से लड़ेंगी, क्योंकि आप देखिए आपको भी आरोपी बनाया हुआ है, तो आपको देखो जी मेरे पापा को पूरा न्याय पे पूरा भरोसा था, देखो अगर भरोसा था तो ही हम कोर्ट में आए, कोई ऐसी अगर होती बात हो तो पापा ने पहले ही कोर्ट में उनका पूरा था यकीन है हमें न्याय जरूर मिलेगा, और मुझे भी पूरा यकीन है कि भी मैं अपने इस मौलिक अधिकारों का करके और मुझे न्याय जरूर मिलेगा। अच्छा एक ये चीज कहा जा रहा है कि भाई जब आप रोहतक से निकले तो इतने दिन तक आप कहाँ रहे, मैं पहली बात जैसे आपको समझ नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था मुझे, मैं फिर एक जहाँ पे भी रही, फिर उसके बाद मैंने कोशिश करके फिर मैं दिल्ली गई, दिल्ली करने के बाद अब मैं हरियाणा पंजाब कोर्ट में जाऊंगी। तो आप सरेंडर करेंगे कोर्ट में, मैं अभी कानूनी सलाह लेंगे। हाँ कानूनी सलाह लूंगी। तो हनीप्रीत इंसान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे बातों पर पहलुओं पर इनसे बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं, फिल्मों की बात इन्होंने बताई है, और कहा कि जो रिश्ते पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो एक बाप और बेटी का रिश्ता है, और जो जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, और इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहें, बहुत सारे लोग आपके जो है सुनना चाहते हैं, हनीप्रीत कुछ आखिरी बात आपको संदेश आप कहना चाहें किसी तरह का। मैं सारों को ये कहना चाहती हूँ कि भी मैं निर्दोष हूँ, मेरे पापा निर्दोष हैं, एक दिन जरूर ये सामने आएगा, मेरा और मेरे पापा का रिश्ता बिल्कुल बाप बेटी पाक रिश्ता है, वो एक बाप से मैं पूछना चाहूंगी और एक बेटी अपने दिल पे रख के बता दे उनका रिश्ता क्या है। मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि भी जितने भी समाज वाले जो ये फैलाए जा रही बातें उन पर यकीन ना करें। तो हनीप्रीत इंसा कह रही हैं कि इनके संबंधों पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर यकीन ना करें, एक बाप बेटी का पाक रिश्ता है,
और फिलहाल हनीप्रीत हमारे साथ मौजूद है और हम आपको बताना चाहेंगे कि हनीप्रीत जो है एक अलग तरह की परिस्थितियों में थी, क्योंकि कई राज्यों की पुलिस, यहां तक कि नेपाल की पुलिस, बहुत सारी एजेंसियां पीछे लगी हुई थी और इनकी तलाश कर रही थी। फिलहाल हमने इनसे इनको ढूंढा है, इनसे बात की है, अपनी जो है अपनी आप बीती वो खुद हमें बता रही हैं और कह रही हैं कि हम कानून का सम्मान करते हैं और बहुत जल्द जो भी कानूनी कार्रवाई है उसका सामना हनीप्रीत करेंगी। कैमरामैन मनोज सांगवान के साथ सतेंद्र चौहान, आज तक। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।